नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इटली के तट पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ सिसिली तट पर एक भयंकर तूफान आने की वजह से 22 लोगों को ले जा रहा एक लग्जरी जहाज डूब चुका है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 6 लोग लापता है। लापता लोगों में ब्रिटेन के दिग्गज सॉफ्टवेयर कारोबारी माइक लिंच भी शामिल हैं। लिंच इसी साल अमेरिका में धोखाधड़ी के एक मामले में बरी हुए थे। बचाव अभियान की देखरेख कर रहे इतालवी तटरक्षक अधिकारी लुसियानो पिस्चेड़ा के अनुसार सोमवार सुबह करीब 5 बजे तेज हवाओं के साथ तूफान आने के बाद यह जहाज डूब गया है। यह जहाज सिसिली की राजधानी पलेर्मो से लगभग 12 मील पूर्व में पार्टी सेलो से लगभग आधा मील दूर लंगर डाले हुए था। जहाज को चलाने वाली कंपनी के मैनेजर कैंपर एंड निकोलसन ने ईमेल के जरिए बताया है कि जहाज पर 12 गेस्ट और 10 चालक दल के सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया है कि मरने वालों में और लापता लोगों में 4 ब्रिटिश, 2 अमेरिकी और 1 व्यक्ति कनाडा का है। हालांकि उसके पास एंटीगुआ की भी नागरिकता है। लापता लोगों में सबसे बड़ा नाम माइक लिंच का है जो ब्रिटिश सॉफ्टवेयर कारोबारी है। लिंच की पत्नी एंजेला बेकारेस को बचा लिया गया है। सिसिली की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी साल्वाटोर कोकिना ने कहा कि लिंच की बेटी हन्ना लिंच भी लापता 6 लोगों में शामिल है। तटरक्षक बल ने कहा कि अभी तक जो एक शव बरामद हुआ है वह जहाज के रसोइये का है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी और बेहद बुरी खबर इटली से आ रही है, जहां तूफान में एक लग्जरी जहाज डूब गया है, 6 लोग लापता हो गए हैं, 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। बहुत ही बड़ी और बेहद बुरी खबर।